बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राज्य में अपराध जिस गति से बढ़ रहा है लोग भयभीत हैं। कल नटवर कुमार अग्रवाल को गोली मारकर उनका थैला लेकर उनके घर से अपराधी भाग गए। नटवर कुमार अग्रवाल आईसीयू में भर्ती हैं, हम लोग देखने भी गए थे। परिवार ने बताया कि हम लोग भयभीत हैं एवं यह घटना बराबर हो रही है। इसी तरह की घटना समस्तीपुर में भी हुई। रघुवीर स्वर्णकर की हत्या हुई परंतु आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। उल्टा पारिवारिक विवाद बताते हुए मृतक के बच्चे को 2:30 बजे थाना बुलाकर उसे टॉर्चर किया गया और रात में 1 बजे छोड़ दिया गया। इस मामले में उल्टे राजद नेताओं द्वारा खेल खेला जा रहा है। इस तरह की कई घटनाएं हो रही हैं और संयुक्त अपराध का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में बहुत सारे अपराध थाने में दर्ज भी नहीं किए जाते हैं और लोगों को बताया जा रहा है कि घटनाएं घट रही हैं। आगे आप खुद सुनिए कि विजय कुमार सिन्हा ने क्या कुछ बताया। जिस तरह से ताबड़तोड़ अपराध बढ़ रहा है, और सुशासन बाबू फर्जी आंकड़ा पेश कर रहे हैं कि अपराध घट रहा है, लोग दहशत में है। नटवर कुमार अग्रवाल को कल ही रात्रि में वो अपने व्यापार करके लौट रहे थे, गोली मार दिया। उनके आवास पहुंचते पहुंचते उनके थैला को भी छीन करके भागा। हमने उनके घर पर भी गया, अस्पताल में भी गए, देखने के लिए आईसीयू में भर्ती है, गंभीर स्थिति है। 2 दिन पहले समस्तीपुर गया था, रघुवीर स्वर्णकार के यहाँ जिसकी गोली मारकर हत्या की गई, अभी तक गिरफ्तारी किसी का नहीं हुआ। और वहां का प्रशासन अपराधी को पकड़ने की बजाय जो मृतक के परिवार और उसके बच्चे को थाना बुलाता है 1 बजे दिन में, और 2:30 बजे दिन में वो आता है और 1 बजे रात को उसको छोड़ता है। एक तरह से मानसिक टॉर्चर किया जा रहा है ताकि थाना में कम से कम मुकदमा दर्ज हो। और इस तरह के प्रशासनिक मानसिकता से जो ये आंकड़े का ग्राफ दिखाते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।